हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, किसी भी जंग पे जाने से पहले क्या करनी पड़ती है, कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें क्या तैयारियां करनी है, हमें क्या सीखना है, हमें कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, चलो देखते हैं। देखो 2.2 सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये अच्छे से आना चाहिए। अब भाई ये होता क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमें तो पता है क्या होता है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल रहता है। हम लिखेंगे देखो एबीसी, क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में एंगल भी क्या है, एंगल भी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्या लिखेंगे, बाय पार्ट इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये तो होता है हमारा सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है भाई, चलो वो भी देखते हैं। देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए था, लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी होता है, इसमें क्या होगा वो देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो क्या करेंगे, लिखो पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम इसमें, एक दो दो ट्राइंगल है और एक बड़ा सा ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल हो रहे हैं। लेकिन हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं वो भी देखते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी, क्या इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इक्वल्स टू क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या है, एक एक्यूट एंगल है, लिखो एंगल सी इज एक्यूट एंगल। अगर एंगल सी एक्यूट एंगल है तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इस एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बाकी रिमेनिंग दो साइड कौन कौन से बचे, BC एक साइड बच गया और AC एक साइड है, उसका स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में यहाँ आता है माइनस, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल रहेगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस, फिर से बेस ले लो बी बी सी, ठीक है, लेकिन बेस लेने से पहले हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, ओके, फिर उसके साथ प्रोडक्ट में आते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में आता है ये देखो जो परपेंडिकुलर गया है AD, ये वाला साइड DC आ जाएगा, ओके, समझ में आया, ये था एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो चीज। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, वो कहता है, लिख के देखते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB, कौन सा ट्राइंगल लिया, ACB ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें क्या एंगल सी क्या है, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एंगल सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा, होगा वही सेम टू सेम चीज कि एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इक्वल रहेगा, बाकी जो साइड जो बच गए क्या बच गए, AB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर तो हो गया, क्या बचा BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, लिखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ देखो यहाँ एक्यूट एंगल था तो यहाँ माइनस आया, लेकिन यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है हम क्या ले रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं तो यहाँ आएगा प्लस, ओके, उसके बाद फिर आप टू से मल्टीप्लाई करो बेस को, ओके, बेस क्या है, बेस है BC, उसके साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो एक परपेंडिकुलर बनाया है DC, AD परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन BC पे, कहाँ डिस्टेंस क्या बना रहा है CD का, ओके, यहाँ क्या आ जाएगा DC, ओके, समझ में आ रहा है क्या, ये देखो मैं इग्नोर कर देता हूँ एक बॉक्स में, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें यही दो स्टेटमेंट बताना चाहता है, हमें ये दो स्टेटमेंट अगर याद हो गई तो हम
एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, एक और थ्योरम पढ़ना है, चलो वो भी सीखते हैं। सेकंड थ्योरम कौन सा है? सेकंड थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है भैया? अपोलोनियस तो पहली बार सुने हैं, इसका मतलब क्या होता है नहीं पता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं होना अच्छे से सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ अच्छे से सीखो। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? अपोलोनियस थ्योरम मतलब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। उसके बाद क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सॉरी एक परपेंडिकुलर बनाया, किस पे? साइड BC पे। क्या है परपेंडिकुलर? AD है ना, 90 डिग्री बना रहा, यानी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। उसके बाद AMB कुछ तो दिया है, वो क्या है? AMA मिड पॉइंट है, कहां पे? देखो पॉइंट M, ये वाला पॉइंट BC पे, ये वाली लाइन पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब क्या? ये वाला और ये वाला, यानी कि BM और MC इक्वल बनाएगा, सेम रहेंगे, ये मीडियन हो गया। क्या? अगर दो लाइन को यहाँ से तीसरे पॉइंट से एक लाइन आ गई है किसी एक साइड पे, तो क्या कर रहा है ये लाइन इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो AM एक मीडियन बन जाएगा। मतलब क्या, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या है, पॉइंट M क्या है, पॉइंट M इज द, सॉरी पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC है ना। क्या कर रहा है? पॉइंट M BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर ये ऐसा है, इफ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट BC साइड BC, तो क्या हो जाएगा? अपोलोनियस थ्योरम कहता है अगर M BC का मिड पॉइंट है तो फिर जो साइड बचे हुए हैं AB और BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2AM का स्क्वायर, 2AM का स्क्वायर प्लस BC, क्या है BC, क्या है BC, क्या है BM प्लस MC, यानी ये दोनों इक्वल है, इन दोनों में से कोई भी एक साइड 2AM, हमने मीडियन का साइड तो ले लिया क्या 2m2, लेकिन यहाँ पर कोई एक लेना है, हम ले लेते हैं 2bm2, ओके। ये बताता है हमारा अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बताता है, एक बार फिर से देखते हैं। क्या एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर है, एक मीडियन है, पॉइंट M BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद क्या बोला, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देन अपोलोनियस थ्योरम कहता है कि रिमेनिंग दो साइड्स जो है AB² प्लस BC² इक्वल हो जाएंगे मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम्स 2AM² प्लस 2BM², ओके। बना लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, इफ PQ इज 11, PR इज 17, PS इज 13, फाइंड QR। क्या क्या दिया हुआ है, सारे गिवन मैंने लिख लिया है, ट्रायंगल भी बना लिया। क्या बोला है, ट्रायंगल PQR, लेकिन इसमें ट्रायंगल दिया नहीं हुआ है, हमने खुद से बनाया। ट्रायंगल PQR में क्या बोला है, PQ 11 है, फिर क्या बोला, PR 17 है, फिर क्या PS कितना है 13 है, हमें क्या फाइंड करना है, QR फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में QR और SR क्या है, मीडियन है, दो इक्वल पार्ट्स है, मतलब PS क्या रहेगा, PS रहेगा मिड पॉइंट, है ना, S इज द मिड पॉइंट, S इज मिड पॉइंट, S एक मिड पॉइंट है, देयरफॉर PS क्या रहेगा, PS हो जाएगा, PS इज द मीडियन, PS इज द मीडियन। अगर PS मीडियन है तो हमने आगे भी एक थ्योरम पढ़ा था अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, बाय अपोलोनियस थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या, बाय अपोलोनियस थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या, जो मीडियन जिस साइड पे आ रहा है उस साइड को छोड़ के कौन सा साइड छूट रहा है, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल होता है मीडियन, 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, 2 टाइम्स मीडियन क्या है PS, तो 2PS² प्लस
क्योंकि जिस साइड पे आ रहा है मतलब मीडियम की साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, उसमें से दोनों साइड इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है अपोलो ने थ्योरम का स्टेटमेंट। इस हिसाब से हमें पी क्यू की वैल्यू तो पता है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, देखो पी क्यू दिया है 11, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है 17 का स्क्वायर, इक्वल रहेगा कैसा 2 PS square, PS क्या दिया हुआ है, PS दिया है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, ओके, उसके साथ प्लस में क्या है 2 QS square, QS हमें नहीं दिया हुआ है, 2 QS square, ठीक है, ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर 13 का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ओके, ये 2 QS square, सेम टू सेम देखो, फिर क्या करने का, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 289 प्लस 121 ऐड करेंगे तो कितना होगा 410, कितना आया 410, 169 2000 9 2000 18, 6 2000 12 प्लस 1 30, एक बचा है 212 प्लस 1 आया 238, ओके, ये 2 QS square, ऐसी सेम टू सेम रखो, इसके बाद क्या करो 410, इस साइड 238 प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस में बन जाएगा 238, ओके, ये साइड क्या बचा सिर्फ 2 QS square, ओके, 110 माइनस 338 करेंगे तो आएगा 72, यहाँ क्या बचा 2 QS square, ओके, 72 को ये रखो और 2 को डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा QS square, ओके, 202, 236, एक बचा है 26, 12, ओके, अब यहाँ देखो QS पेसी स्क्वायर हटेगा तो 36 आ जाएगा रूट में, है ना, 36 रूट में आया तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 स्क्वायर रूट है 6 का, यानी कि देयरफॉर हमारा QS क्या रहेगा, QS इक्वल्स टू 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें QS फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना है QR, देखो QR कहाँ है, QR यहाँ से इतना पूरा डिस्टेंस है, लेकिन QS सिर्फ इतना ही है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था QS और SR इक्वल है, मतलब कि QS को 2 टाइम्स देखेंगे तो QR बन जाएगा, ओके, यहाँ देखो QR क्या है, नाउ QR इक्वल्स टू QS प्लस SR या फिर 2 टाइम्स QS, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 into QS कितना है, QS आया 6, हम लिख सकते हैं 6 to 12, मतलब हमारा QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू है 12, ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, क्या है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, AB is 10, AC is 7, BC is 9, then find the length of the median drawn from the point C to side AB, क्या बोला, एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, उसमें पॉइंट C से एक मीडियन बनाया है साइड B पे, AB पे, क्या लिख दिया हमने, मीडियम का नाम हो गया CD, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, AB 10 है, AC 7 है, BC 9 है, क्या बोला, मीडियम AD की वैल्यू क्या रहेगी, ये फाइंड करो, यहाँ देखो इसमें भी हम लगा सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है, CD क्या है, DA मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि मीडियम रहता है तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ओके, अगर डी मिड पॉइंट है तो सी डी क्या रहेगा, सी डी इज अ मीडियन, इज ए मीडियन, देयरफॉर हम लगा सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम हम क्या कहेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम वी कैन से दैट एसी स्क्वायर प्लस BC square equals to 2CD square plus AD square या फिर BD square, 2BD square, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये बताता है क्या, हमारा अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, अब देखो AC की वैल्यू पता है हमें, हाँ 7, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पता है 9, 9 का स्क्वायर
सी डी के वैल्यू पता है, मेन सी डी की वैल्यू हमें मेन दी हुई है वो फाइंड करना है, सी डी स्क्वायर एज इट इज लिखो 2 बी डी की स्क्वायर, बी डी पता है हमें, बी डी कहाँ है, बी डी भी नहीं पता है, लेकिन हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 10, ए बी यहाँ से इतना कितना है 10, अब ये दोनों इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुए तो हमारा बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 5 और ए डी कितना रहेगा, ए डी भी रहेगा 5, यानी कि बी डी की वैल्यू क्या है 5, तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर, ओके 7 के स्क्वायर होता है 49, 9 के स्क्वायर होता है 81 और 2 इंटू सी डी को एज इट इज लिखो 5 का स्क्वायर 25, ओके यहाँ देखो 49 प्लस 81 करेंगे कितना हो जाएगा, आएगा 132 सी डी स्क्वायर एज इट इज लिखो 22 इंटू 25 होता है 50, ओके बाकी का यहाँ लिखता हूँ क्या है 130 इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 50, ओके यहाँ सॉल्व कैसे होगा देखो 130 माइनस 50 हो जाएगा जिसे डाले तो, ओके 130 माइनस 50 यहाँ क्या बचा 2 सी डी स्क्वायर, 130 माइनस 50 करेंगे तो आएगा 80, ठीक है 2 सी डी एज इट इज 2 सी डी स्क्वायर, ठीक है 80 अपॉन 2 कर लो, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ सी डी स्क्वायर बचेगा, 2 इतना क्या डिवाइड में 2 बन रहा 2 2 4 जा 8 0 एज इट इज, यानी कि सी डी स्क्वायर क्या है, सी डी स्क्वायर है 40, हम स्क्वायर हटाते हैं 40 आ जाएगा रूट में, आप देखो 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 10 है ना, 4 टेन सा 40 होता है, अब 4 का रूट निकालो 4 के स्क्वायर रूट क्या है 2 और 10 अंदर ही रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो सी डी क्या मिला हमें, सी डी की वैल्यू मिली 2√10, हमें टू फाइंड मीडियन क्या था सी डी था, सी डी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, सी डी की वैल्यू मिली हमें 2√10, ओके कोई दिक्कत नहीं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे, इसको करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 एक जैसे क्वेश्चन से, इसके लिए पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, पढ़ता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, इफ एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, एएम इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड बीसी, जो कुछ दिया है क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, क्या बोला ट्रायंगल एबीसी में एम मिड पॉइंट है बीसी पे, उसके बाद एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एएम 8 है, फाइंड करना है बीसी, बीसी कहाँ है, बीसी है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी देखो मीडियन आ रहा है यानी लगेगा, देखो लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या है एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इसका मतलब क्या रहेगा, ए एम मीडियन है, ए एम इज ए मीडियन, अगर ए एम एक मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम से, क्या अपोलोनियस थ्योरम मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, AC square equals to 2AM square plus 2BM square, ओके यहाँ तक समझा कोई दिक्कत नहीं, ये है अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट, अब देखो AB की वैल्यू क्या है, AB AB square plus AC square दोनों की वैल्यू है साथ में 290, 2AM AM की वैल्यू है क्या हमारे पास 8 है, 2 into 8 8 के स्क्वायर, फिर बी एम की वैल्यू पता है क्या, नहीं बी एम ये क्या है इसकी वैल्यू अगर नहीं पता है सेम टू सेम लिख दो 2 बी एम स्क्वायर, ओके 290 एज इट इज कॉपी करो 2 इंटू 8 के स्क्वायर 64, 2 बी एम स्क्वायर एज इट इज कॉपी करो 290 यहाँ लिखो सेम टू सेम, फिर 2 इंटू 64 कितना होगा 2 इंटू 64 4 टू 8, फिर 6 टू 12 कितना आया 128 प्लस में क्या है 2 बी एम स्क्वायर, 2 बी एम स्क्वायर, ओके ये 290 माइनस 128 बन जाएगा, 128 यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस बना क्या बचेगा यहाँ 2 बी एम स्क्वायर, 290 माइनस 128 कितने होते हैं करके देखते 290 माइनस 128
यू देगा कि 10 n - 8 2 8 - 2 6 2 - 1 1 कितना आया 162 यानी 2 bm स्क्वायर एज इट इज ओके 160 अपॉन 2 हो जाएगा यहां बचेगा b है स्क्वायर ये टू यहां मल्टीप्लाई होता है यहां के डिवाइड 2 into 2 2 into 16 2 into 2 क्या बचा 81 ये है bm स्क्वायर स्क्वायर यहां से आता यहां पर आ जाएगा रूट में ओके 81 किसका स्क्वायर रूट है 81 है 9 का स्क्वायर रूट यानी कि हमारा bm कितना है bm की वैल्यू है 9 हमें bc फाइंड करना है यहां देखो bc कितना है और bm की वैल्यू हमें ये मिली 9 ये भी 9 हो जाएगा मतलब क्या है bc इक्वल्स टू bc क्या है bc है 2 टाइम्स bm है ना तो 2 into bm की वैल्यू है 9 ओके 2 9 सा 18 मतलब bc की वैल्यू में है हमारे पास bc की वैल्यू है 18 ओके कोई दिक्कत नहीं ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 अब क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बाय बाय We'll be right back.